हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बंकर स्टडी पॉइंट लास्ट वीडियो में हमने कैम्प और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इस वीडियो में हम फॉलोअ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फॉलोअर को हमने तीन बेसिस पे क्लासिफाई करा है फर्स्ट इज बेस्ड ऑन शेप ऑफ फॉलोअर देन मोशन ऑफ फॉलोअर एंड थर्ड इज़ पोजिशन ऑफ फॉलोअर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन शेप ऑफ फॉलोअर शेप के बेस पर हमने फॉलोअर को चार टाइप में क्लासीफाई कराए फर्स्ट इज नाइफ एज दैन रोलर फॉलोअर देन फ्लैट फेस एंड लास्ट इज स्पेरिकल फेस फॉलोअर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइफ एज फॉलोर के बारे में जो हमारा नाइफ एज फॉलोर होता है इसमें हमारे फॉलोर के एंड में हमारे एंड नाइफ शेप में होता है नाइफ या वी शेप में होता है इसकी नाइफ शेप की वजह से हमारे कैम और फोलोअर के बीच में जो कॉन्टैक्ट एयर होता है वो काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से इसमें वेर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा होता है वेर एंड टेयर की वजह से हमें कुछ टाइम बाद हमें करेक्ट कैम प्रोफाइल नहीं मिल पाती इसी रीजन रीजन की वजह से ये प्रैक्टिकल पर्पस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सेकंड है रोलर एज फोलोर जो हमारा रोलर एज फोलर होता है उसमें हमारे फोलोर के एंड में एक रोलर टैच होता है तो रोलर एज फोलर में हमारे कैम और फोलर के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट होता है जिसकी वजह से इसमें हमारा वेयर एंड टेयर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू नाइफ़ एज फोलोअर नेक्स्ट है फ्लैट फेस फॉलोअर फ्लैट फेस फ्लेस फॉलोअर में हमारा जो फॉलोअर होता है फॉलोअर के एंड में हमारा फॉलोअर फ्लैट फेस का होता है जिसकी वजह से हमारे फॉलोअर और कैम के बीच में सरफेस को होता है फ्लैट फेस फॉलोअर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें काफ़ी लिमिटेड स्पेस मिलती है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन में वहाँ मोस्टली फ्लैट फेस फॉलोअर यूज़ होते हैं नेक्स्ट इज इस्पेडल फॉलोअर इस्पेडल फॉलोअर में जो हमारा फॉलोर का फॉलोर का एंड होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है इसका ये हमारा यूजफुल क्यों है जो हमारा फ्लैट फेस फोलर होता है उसमें हमारे स्ट्रेस जो होते हैं वो काफ़ी हाई स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे फॉलर के अंदर बट स्पेरिकल फोलोर में हमारा क्योंकि सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट सरफेस काफ़ी कम होता है तो उसमें स्ट्रेसिस काफ़ी कम प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर बेस्ड ऑन मोशन मोशन के बेस में हमने फोलर को दो टाइप में क्लासीफाई करा है फर्स्ट इज़ ट्रांसलेटरी एंड सेकेंड इज ओसलेटरी मोशन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन फोलोर के बारे में ट्रांसलेटरी मोशन फोलर में जो हमारा फॉलोर होता है इसमें हमारा ट्रांसलेटरी या रेस्प्रिकेटिंग मोशन होता है मीन्स हमारा फोलर टू एंड फ्रो मूव करता है बट इसमें हमारे फोलर में कोई भी एंगुलर मोशन नहीं होता इसका एग्जाम्पल है जैसे कि नाइफ एज फोलोर रोलर फोलोर एंड स्पेरिकल फोलर ये सब ट्रांसलेटरी मोशन फॉलोअर होते हैं सेकेंड इज ऑसिलेटरी मोशन फॉलोअर ऑसट्री मोशन फॉलोअर में हमारा फॉलोअर टू एंड फ्रो तो मूव करता है पर उसके साथ साथ हमारे फोलोर में एक एंगुलर मोशन भी होता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ फॉलोअर पोजिशन ऑफर दो टाइप में क्लासीफाई कराए फर्स्ट इज रेडियल फोलोअर एंड सेकेंड इज ऑफिट फॉलोअर डल फॉलोअर में हमारे जो फॉलोअर के एक्सेस ऑफ फॉलोअर और हमारे जो कैम की सेंटर एक्सेस होती है वो दोनों कॉन्साइड करती हैं मीन्स हमारे फॉलोअर को एक्सेस कैम के सेंटर के को पास होते हुए जाती है इस टाइप के फॉलोअर का एग्जांपल है जैसे कि नाइफ एज फॉलोअर एंड फ्लैट फेस फॉलोअर सेकेंड इज ऑफसेट फॉलोअर जब हमारे फॉलोअर का एक्सेस और हमारे कैम का सेंटर एक्सेस जब एक लाइन में ये कॉन्साइड नहीं करते उनके बीच में कुछ गैप होता है एक्सेस पे होते हैं वो तो उस टाइप ऑफ फॉलोअर को हम बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टावर चैनल बंकर स्टडी पॉइंट थैंक यू